नमस्कार, मी मंगेश बोबडे, डब्ल्यू एस न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। गेल्या 20 वर्षापूर्वी शहरातील प्रतिष्ठित नागरिक मदनजी कोठारी सुपुत्र यांची जैन समाज दीक्षा घेतली होती, ते आज प्रथमच्यामध्ये आलेले आहे। आपण बघू शकतो कशा प्रकारे त्यांचं स्वागत सुरू आहे। पूर्ण शहरातील जैन समाजातील सर्व नागरिक इथे आलेले आहे आणि आपल्यासोबत प्रथम या रॅलीमध्ये वंचित बहुजन आघाडीचे निलेशभाऊ विश्वकर्मा सुद्धा आहे। आपण बघू शकतो, आपण त्यांच्याबद्दल जाणून घेऊया त्यांचं मन काय आहे। असं आहे, आपण जे आज चांदूर रेल्वेमध्ये येत आहोत आम्ही, त्याविषयी एक मनात खूप आनंदाची आणि एक खूप अशी विशेष उत्साहाची अनुभूती। गावकऱ्यांचा उत्साह पाहून आणि पुन्हा एकदा आपले हितेंद्र ऋषीजींची जी ही जन्मभूमी आहे, त्या जन्मभूमीच्या प्रांगणात सगळ्या त्या जुन्या आठवणी ताज्या होत असताना एक मनात खूप असा प्रसन्नतेचा अनुभव, खूप गोड आठवणी अशा आहेत। आणि तुम्ही 20 वर्षापूर्वी चांदूर रेल्वेवर जाऊन जैन समाजाची दीक्षा घेतली होती, याबद्दल तुमचं मत काय प्रथम आगमनाबद्दल? बोलो। खूप खुशी आहे। चांदूरात, चांदूर में बचपन गया हुआ है, फिर से एक बार इस भूमि पर आने पर बहुत बहुत खुशी है। युवाचार्य पदवी केल्याबद्दल आपलं काय मत आहे? युवाचार्य पदवी प्राप्त केल्याबद्दल आपलं काय मत आहे? युवाचार्य पदवी यांना भेटली मोठा। युवाचार्य पदवी हमारे पूर्व में हुए विदर्भ प्रवास के कारण जो संघ समाज में एक प्रकार से धर्म जागृति आई, उस धर्म जागृति को ध्यान में लेकर के और हमारे गुरुदेव आचार्य भगवंत आनंद ऋषि जी महाराज साहब, इन्होंने जो हमको बचपन से शिक्षा दी, उस शिक्षा को और हमारे उन संस्कारों को, हमारे उस संघ सेवा को देख करके हमारे वर्तमान आचार्य शिव मुनि जी महाराज, इन्होंने इंदौर के बृहद साधु सम्मेलन में जहाँ 550 संत सती जी एकत्रित थे, ऐसे उस सम्मेलन में युवाचार्य पद की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है और उस जिम्मेदारी को लेने के बाद पुनः एक बार चांदूर में आकर के हम अपने आप को खूब आनंदित महसूस कर रहे हैं कि ये संघ, ये क्षेत्र वो है जिसने हमें एक अच्छा साथी, एक अच्छा शिष्य दिया और इसी क्षेत्र से हम लोगों की अपनी जो धर्म प्रभावना है उसको एक विशेष ऐसी ऊंचाई मिली और ऐसे क्षेत्र में पुनः आकर के यहाँ के सभी धर्म प्रेमी श्रद्धालुओं को मिलकर के बड़ी प्रसन्नता है। और इस समय हमें विशेष आनंद इस बात का है कि हमारे साथ ही उप प्रवर्तिनी साध्वी रत्ना सम्मति कंवर जी महाराज साहब चार ठाना भी पहली बार अपने इस चांदूर रेलवे क्षेत्र में आ रहे हैं। हमारे यहाँ साधु साध्वी का एक साथ उपस्थित होना, एक साथ पदार्पण होना, ये बड़ा ही भाग्य का, रेलवे क्षेत्र का भाग्य है। और हमें विश्वास है कि हमारा यह आगमन चांदूर रेलवे क्षेत्र में एक नई ऐसी कोई ना कोई रचनात्मक भूमिका निभाएगा। अशा प्रकारे संपूर्ण शहरात संपूर्ण जैन संघ एकूण यांनी त्यांचं चांदूर रेल्वे शहरात जंगी स्वागत केलेलं आहे। आणि प्रतिष्ठित नागरिक मदनजी कोठारी हा त्यांचा मुलगा आपण पाहू शकता, यांच्या 20 वर्षापूर्वी त्यांनी दीक्षा घेतली होती आणि आज ते शहरामध्ये त्यांचं पदार्पणसुद्धा झालेलं आहे। अशा प्रकारे शहरामध्ये त्यांचं आगमन होऊन प्रथमच शहरात त्यांची एक रॅलीसुद्धा निघाली आहे आणि या रॅलीमध्ये जैन समाजातील सर्व एकून त्यांचं जंगी स्वागत सुद्धा करण्यात येत आहे। आपल्याला 20 साल बाद चांदूरी में जो दीक्षा प्राप्त की और 20 साल बाद चांदूरी में पहली बार आया, इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में मेरा यही कहना है कि भाई चांदूर नगरी के अंदर माननीय श्री परम पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब एवं हितेंद्र ऋषि जी महाराज साहब यहाँ पधारे हैं, इसका हम चांदूरवासियों को, पूरे सकल जैन समाज को बहुत गर्व की बात है। और आज यहाँ का पूरा संघ, ये पूरा एकदम हर्ष उल्लास से एकदम प्रफुल्लित हुआ है। इसी तरह जैसे भी युवाचार्य जी और एवं परम पूज्य हितेंद्र ऋषि जी महाराज साहब चांदूर पधारे, इसका हम सभी को बहुत गर्व है और हम इसका तुम्हारा इस तरह से स्वागत करने के लिए तत्पर है। आमच्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि विविध बातम्या बघण्यासाठी www.wnews.in ला भेट द्या। धन्यवाद।